सूरजमुखी की फसल ने इस बार किसानों को मालामाल कर दिया है। सरकारी खरीद का इंतजार न करते हुए किसानों ने आरती के माध्यम से व्यापारी को अपनी सूरजमुखी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। किसानों की माने तो पिछली बार सूरजमुखी की सरकारी खरीद के दौरान उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो सरकारी दामों से अधिक दामों में व्यापारियों को अपनी सूरजमुखी बेचकर काफी खुश है। बता दें, सूरजमुखी की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन किसान मंडियों में अपनी सूरजमुखी लेकर न केवल पहुंचने लगे हैं, बल्कि इस समय बेची जा रही सूरजमुखी की फसल ने किसानों को मालामाल भी कर दिया है। इस बार किसानों ने सरकारी खरीद से 15 दिन पहले ही प्राइवेट व्यापारियों को बेचनी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। किसानों का कहना है कि पिछली बार सूरजमुखी की सरकारी खरीद के दौरान उन्हें काफी परेशानी आई थी, लेकिन इस बार वो सरकारी दामों से ज्यादा दामों पर व्यापारियों को अपनी सूरजमुखी बेच रहे हैं, जिससे उन्हें 300-400 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो रहा है। किसान आरतियों के माध्यम से अपनी सूरजमुखी की फसल व्यापारियों को बेच रहे हैं। किसान आरती को अपनी सूरजमुखी सौंपते हैं और आरती किसान की सूरजमुखी की फसल को मंडी में सुखाते हैं और अपना कमीशन निकाल कर व्यापारी को बेच देते हैं। तो इसी करके वजह से मुनाफा हो रहा है। पिछले साल सूरजमुखी की फसल सरकार की नीतियां खराब होने की वजह से बहुत रुलती रही है। किसान बहुत परेशान हुए हैं, सूरजमुखी नहीं बिकी, अद्धे पौने रेट पर करके बेचनी पड़ी। इक सूरजमुखी की फसल कम थी और उस करके फिर तेल की ज़्यादा महंगाई होने की वजह से सूरजमुखी का रेट सरकारी रेट से भी 400-500 रुपये पर फालतू बिक रही है। अगर किसानों का फायदा तो है, लेकिन आम पब्लिक का फायदा होना चाहिए। अगर सरकार इसका पक्का MSP रेट देगी सही ढंग से, तो हम अगले साल और ज़्यादा लगाएंगे, ताकि सारी पब्लिक को फायदा होए, सरकार को फायदा होए, व्यापारियों को फायदा होए। नहीं, किसान को फायदा है, क्योंकि MSP जो है वो सरकार का वो 5800 कुछ रुपए है, तो अब ये बिक्री है 6700 तक बिकली, 6500, 6200, 6300, 6400 इस रेट से जारी है। ये 200-400-500 रुपए ऊपर बिक्री है, तो इससे किसान को फायदा है। अगर सरकार खरीदेगी तो वो तो MSP पे खरीदेगी, और MSP पे खरीदेगी तो किसान को उससे नुकसान होगा। इसलिए प्राइवेट जो एजेंसियाँ हैं वो सूरजमुखी खरीद रही हैं इस वक्त, और वो किसान को 200-400 रुपए फालतू दे रहे हैं। पिछले साल सूरजमुखी बेचने के लिए हमें पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा था। पानी की टंकी पर चढ़कर फिर हमने सूरजमुखी मंगवाई। सरकार क्या करती थी, वे 5 क्विंटल पर एकड़ लेती थी, निकलती है 8 से लेकर 10 एकड़ तक, तो 5 क्विंटल तक, तो 5 क्विंटल का रेट तो लेती थी 55,000 रुपये, तो बाकी जो 5 क्विंटल फालतू होती थी या 4 क्विंटल, उसको 3,000 से 3,500 रुपये तक लेती थी। तो इस वजह से इस बार किसानों ने सूरजमुखी कम लगाई। भी पता नहीं अगली बार फिर सरकार हमें परेशान करे, तो सूरजमुखी की फसल कम है और तेल के रेट आसमान को छू रहे हैं, इसलिए सूरजमुखी सरकारी रेट के ऊपर 400 रुपये क्विंटल तक फालतू बिक रही है। तो हमारी सरकार से यही बेनती है। सूरजमुखी की फसल की खरीद कब से शुरू हुई है और क्या है MSP? सूरजमुखी की आज 1/6/2021 से शुरू थी, आज से, तो इसका रेट MSP 5885 रुपये गवर्नमेंट का रेट। पिछले काफ़ी समय से जो प्राइवेट एजेंसी है वो 6,000 रुपये के लगभग, तो वो प्राइवेट बिकी ही ज़्यादा रही है। अब गवर्नमेंट तो 5885 ही लेगी, अगर जिम्मेदार कोई बेचेगा जब भी है। क्या इससे सरकार को नुकसान है? नुकसान तो है, फिर अब जब जिम्मेदार अपना नुकसान थोड़ी करेगा, वो तो जो उन्होंने परचेज करनी वो तो कर ही लेनी, गवर्नमेंट को जो चाहिए वो तो करेगी ही, जो जितनी उसकी कैपेसिटी है। आज माल तो आया हुआ है, लेकिन खरीद वो बोली बल्ली नहीं हुई आज। क्या वजह रही है? गिल्ला माल, गिल्ला है, कल बरसात थी, माल गिल्ला है, सूखा ही, जब सूख जाता है तभी बोली होती है उसकी। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुलगढ़ की रिपोर्ट।